चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जितना नंगा नाच देश में इन्होंने मणिपुर में किया है, पर हर चीज शर्मसार कर दी गई। जब जब ये लड़ाई रहेगी, सभी छत्तीसगढ़ी इसमें भरपूर समर्थन देती रहेगी। अंधभक्तों की जब तक अपने ऊपर बात नहीं आने की, जब तक अपनी माँ बहन की आप रूप किसी की नहीं होती, जब तक एहसास का पता नहीं चलता। आज किस लिए ये कैंडल मार्च किया गया है शामली में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मणिपुर में घटना हो रही है, जो औरतों के साथ बदतमीजी और खुराफात वहाँ के लोग कर रहे हैं और उन्हें नंग अवस्था में घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है, उस पर आपने सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो भी देखी होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के अंदर है उनको जगाने के लिए, जो सरकार देश की सोई हुई है उस सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि दुनिया जानती है, प्रिंट मीडिया जानती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब दिखा रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद उन लोगों को नहीं मिल रही। उसमें हमारे नेता जैन चौधरी जी के निर्देश पर आज शामली के देव गार्डन से हम लोग यहाँ चौराहे तक आए, हनुमान चौक तक, और उस पर कैंडल मार्च हम लोगों ने, सब लोगों ने, हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने जलाकर उसका विरोध किया। और हमारा विरोध यह है कि जब तक मणिपुर की घटना पर जो सरकार सोई हुई है उस पर एक्शन नहीं लेगी, जब तक राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर भी और दिल्ली तक भी और जहाँ तक भी हो सके, राष्ट्रीय लोकदल इस पीछे नहीं हटने वाली, और पूरा जोर शोर से हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। पूरे देश में प्रतिरोध है मणिपुर को लेकर, यूपी में भी एक प्रतिरोध देखने को मिल रहा है जगह जगह, यहाँ किस तरह से आप देख रहे हैं युवा नौजवान? देखिए, आपने देखा होगा कैंडल मार्च में सभी युवा भी थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी हैं, सभी का साथ मिल रहा है, और तमाम छत्तीस बिरादरी के लोगों का सहयोग देखने को मिला और सभी लोगों ने इसमें भरपूर समर्थन किया, और उम्मीद है कि जब जब ये लड़ाई रहेगी सभी छत्तीस बिरादरी इसमें भरपूर समर्थन देती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से पहले एक नारा दे आई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर खरी ना उतरते हुए बेटी बेटी और महिलाओं के अत्याचार पर इन्होंने हद कर दी। जितना नंगा नाच देश में इन्होंने मणिपुर में किया है, पर हर चीज शर्मसार कर दी गई है। जनता के अंदर रोष है, लेकिन दिखाने का मौका चाहिए। चुनाव आओगे तो जनता अपना जवाब देगी। तो सरकार की संवेदना में आपको बताया मर चुकी है, सरकार से अब जनता कोई उम्मीद नहीं है। अंधभक्ति का एक चल रहा है मैटर की अंधभक्त है तो सब देख रहे हैं। वास्तविक तो ये है कि अंधभक्तों की जब तक अपने ऊपर बात नहीं आने की, जब तक अपनी माँ बहन की आप रूप किसी की नहीं होती, जब तक एहसास का पता नहीं चलता। सिर्फ मणिपुर की माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं हुआ, जो पूरे देश की माँ बहनों के से एक सवाल है वहाँ से कि किसी के साथ भी हो सके, वो सरकार सबके लिए ऐसे ही चुप रहेगी। महिला पहलवान भी आंदोलन कर महिला रहे हैं। पहलवानों के साथ क्या हुआ? जब वे मेडल लेके आए थी तो देश में दुनिया का नाम हुआ था पहलवान थी, जैसे ही उन्होंने एक जिस पर जो है बलात्कार के आरोप है पोक्सो एक्ट में जो है उस पर मुकदमा हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन कराया, तो जो है पहलवानों की जो है विशेष जाति का और आंदोलन जी पत्नी क्या क्या कहेगा अपमानित करा। तो इस सरकार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, ना खिलाड़ियों की है, ना किसानों की है, ना महिलाओं की है, ना सिर्फ वोट से मतलब है, और जनता इस बात को समझेगी और इन्हें आपके पास वोट ही चोट देगा, इन्हें घर बैठा देगी।